हम तुमको पहले भी कहें कि तुम इस घर की बहू नहीं हो, लेकिन हाँ हमारी दोस्त जरूर हो और डॉक्टर बनने में हम तुम्हारा ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब तुम ये मत मान लेना कि हम तुमको अपनी पत्नी स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। और सच बात तो यही है ना कि हम असल में पति पत्नी तो नहीं है ना, पत्नी तो नहीं है ना, पत्नी तो नहीं है ना। हम ऐसे लोग नहीं है कि बंदूक की नोक पे लड़की का शादी करवाएं। जो हो गया सो हो गया, अब हम लोगों को पीछे की बात नहीं आगे की बात के लिए सोचना चाहिए। और ये सिर्फ हमारे घर के लड़के की जिंदगी का सवाल नहीं, आपकी प्यारी बिटिया अनमोल की भी जिंदगी का सवाल है। तो हमको लगता है कि हम लोगों को एक दूसरे से बात करके सोच समझ कर इसका समाधान निकालना चाहिए। मानते हैं कि हमसे गलती हुई, हमने गलत तरीके से शादी करवाया, उसके बदले में हमारी बेटी ने भी तो आपके घर में प्रताड़ना सही है ना। अगर हमने अपहरण से शादी करवाया है तो आपके घर के तरफ से भी तो हमारी बेटी का अपहरण हुआ है ना, वो भी छठ पूजा के समय। जो लड़की आपके घर के लिए छठ पूजा कर रही थी आपने उसका ही अपहरण करवा दिया। हम समझ गए थे कि आप लोग कभी भी हमारी बेटी को स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए इसका समाधान स्वरूप आपके घर भी आए थे हमारी बेटी को वापस ले जाने के लिए, पर आपका पुत्र ऋषि ने ही हमें मना कर दिया। आप बताइए अब हम क्या करें। माँ हम कुछ कहें, भरोसा रखिए हम घर आए मेहमान का अपमान नहीं करेंगे। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं, आपको दो बहू, क्या आप दोनों बहू से खुश हैं? हम जानते हैं आप दोनों बहू से खुश नहीं हैं। तो क्या कभी भी आपको उनको घर से निकालने का ख्याल आया होगा? फिर हमारी लाखों में प्यारी एक बहन जो घर का सारा काम करती है, आप सबका ख्याल रखती है, तो आप उसको घर से निकालने का समाधान काहे चाहती हैं? बस इसलिए उसका शादी गलत तरह से हुआ है। बस एक बार आप अपने मन में झांक के देखिए, आपकी तीनों बहुओं में से सबसे अच्छी बहू कौन सी है? आपके दिल से आवाज आएगी, देखो बेटा तुम बात को नहीं समझो, जब तुम्हारा शादी होगा तुम किसी का घर का बहू बनोगी और सास बनोगी, उस दिन तुमको ये बात समझ में आएगी। लेकिन माफ करना, आपकी अनमोल किसी के घर की बहू नहीं बन सकती, बहू नहीं बन सकती, बहू नहीं बन सकती। बहू का काम सिर्फ घर का काम नहीं होता, उसको वंश को आगे भी बढ़ाना होता है, और उनके लिए लड़का लड़की का बराबर होना बहुत जरूरी है। तुम अपना दिल पे हाथ रखकर सवाल करो, इसी और अनमोल का जोड़ी सामान्य है? और हमें तो ये भी नहीं लगता कि उन दोनों का रिश्ता कभी सामान्य होगा। हमारा इकलौता पोता है, ऐसे में तो हमारा वंश समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए। अच्छा अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप लोग सोचिएगा जरूर। नमस्ते। नमस्ते। आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अनमोल, अनमोल जरा हमारे साथ बाहर चलो, तुमसे कुछ बात करना है। दादी ऐसा कौन सा सीक्रेट बात है जो हमारे सामने नहीं कर सकते? दो औरतों का बात है,
अमन। हम तुमसे जो भी बात कहने जा रहे हैं उसे सकारात्मक सोच के साथ सुनना, जिसे तुम्हारा हर बात में साथ देता है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए, अपना पत्नी का रूप में उसने तुम्हें स्वीकार नहीं किया है, ये बात तो जानती हो ना तुम। दादी, आप कहना क्या चाहती हैं? हम समझे नहीं। तुम्हें डॉक्टर बनना है, लेकिन ये सब तुम अपना घर में रहकर भी कर सकती हो ना। तुम देख रही हो ना, तुम्हारा वजह से हर रोज घर में का कांड होता है। हम खत्म करना चाहते हैं ये सब, पर उसके लिए हमें तुम्हारा साथ का जरूरत है। डॉक्टर बनने के लिए जो भी खर्चा होगा ना, वो सब ऋषि देख लेगा। इस बात का वचन हम देते हैं तुमको। लेकिन दादी, हम ये वचन कैसे दे सकते हैं कि हम अपने पति को छोड़कर चले जाएं? ऋषि भले हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हम तो उन्हें अपना पति मानते हैं। गलत तरीके से ही सही, लेकिन हम ऋषि के साथ ही अग्नि का साथ फेरा लिए हैं, और उन फेरों का वचन हम इस जन्म में तो कहा, 7 जन्म तक निभाएंगे। दादी, हमें माफ कर दीजिए, ये हमसे ना हो पाएगा। तो ठीक है, देखो वैसा भी तुम दोनों साथ में रहते हो, तो एक काम करो, जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन जाती ना, तुम दोनों कहीं आसपास किराए पे घर लेकर अलग रहो, इस घर का किचकिच से दूर, और उसके लिए जो भी खर्चा होगा ना, वो सब हम देंगे। लेकिन ये सब तो और मुश्किल लग रहा है दादी, ऋषि को इस घर से दूर करना, उनके साथ अलग रहना, ये तो इस घर को तोड़ना हुआ। दादी, अगर कभी इस घर को जोड़ने का जरूरत हुआ ना, तो हम अपने खून का एक एक कतरा कुर्बान कर देंगे, लेकिन ये घर को तोड़ने का हम कभी नहीं सोच सकते। माँ जी, माँ जी, कहाँ है आप? अंदर आइए। अब इस टाटा वाली को कहा होंगे? क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हैं आप? हमसे नहीं, अपनी दादी से पूछो। पहले तो आपने हमारे पति को भड़काया, उनसे हमको अलग करना चाहा, और अब आप हमारे बेटे को भड़का के उसको हमसे अलग करना चाहती हैं। काहे, बोलिए, आपका हिम्मत कैसे हुआ? हाँ, मम्मी जी, दादी के साथ तो ऐसा व्यवहार मत कीजिए, वो घर के बुजुर्ग हैं, आपको किसी ने गलत खबर दिया है। चुप! पहले तो तुम हमको मम्मी मम्मी नहीं बोलोगी। हमारा किस्मत इतना खराब नहीं है कि एक बौनी हमको मम्मी बुलाए। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि दादी का ऐसा कोई मंशा नहीं था, वो तो ये घर का शांति के लिए करना चाहती थी। दादी तो खुद इतना परेशान है। परेशानी ना आपका थैला में रखिए, हमारे बेटा और पति के बीच में मत पड़िए, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारी सास हैं। समझी? माँ, ये क्या कह रहे हैं आप? दादी, दादी,
पानी पी लो। माँ आप ये बिल्कुल गलत कर रही हैं। अच्छा हम का कर रहे हैं और का नहीं हमको अच्छा से पता है। अच्छा और गलत का पाठ तुम हमको मत पढ़ाओ। का चाहते का हो ये बॉनी के साथ जिंदगी बिताना चाहते हो रह पाओगे इसके साथ अपना सपना जरूरत का गला घोट की बोलो पत्नी बनाना चाहते हो जवाब दो ना। जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर इस टूटे दिल का सहारा है तू। लेकिन तुम्हारा तो तमाशा बन गया ना। ऐसा मत बोलिए दादी आपसे पूरा परिवार जुड़ा है और आप इस परिवार का दिल है और बाकी सब धड़कन। यस दादीज आर हार्ट। और दादी आपके आंचल के नीचे पूरा परिवार है आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल भी नहीं। और हम जब हम ऊपर जाएंगे तो हम भगवान से ये शिकायत जरूर करेंगे कि उन्होंने अनमोल जैसी लड़की को ऐसा क्यों बनाया। दीदी आजकल उबोनी का माँ जी से दोस्ताना कुछ ज्यादा ही होने लगा है। अगर एक एक करके इसी तरह से खिलाड़ी आउट होते गए ना तो उबोनी का हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा। टाटा वाली किसी और का दम पे मैदान में नहीं उतरती है और वैसे भी माँ जी कौन सी मजबूत खिलाड़ी थी। हेलो तुम यहाँ कहाँ आए हो। बाहर खड़े रहना अंदर आना नहीं हम आ रहे हैं। सुनो जी हम बाहर जा रहे हैं और ध्यान रखना कोई हमारे पीछे ना आ पाए। फोन रखो। जी तुमको मना किया था ना यहाँ आने के लिए पैसा के लिए तुम यहाँ। अरे हम पैसे के लिए नहीं आए हम पैसे के लिए नहीं आए हैं। पैसा तो प्रसादी भैया हमें भिजवा दिए थे। अरे हम आपके काम से आए हैं। काम कौन काम। ईका यहाँ सर्कस खोले हो। अरे सर्कस नहीं कहानी में एक ट्विस्ट है। का ए, अपने मुंह से बता। कहा है ना हमारे बोनू लोगों में ना लड़की खूबसूरत बहुत कम होती है लेकिन अनमोल सबसे अलग है खूब सुंदर। गए थे हम किडनैप करने के लिए उनको देखते हमको प्यार हो गया। हम जानते हैं आप अनमोल को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप क्या बोनू लड़के कोई स्वीकार क्यों करें। हम करेंगे जो हमारी जैसी है हम उसको अपना बनाएंगे। उनको देखते हमको प्यार हो गया। ए, पक्का ना आ? अपना इरादा नहीं बदलोगे ना। पक्का नहीं इरादा बदलेंगे। सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो पूरा देंगे। एकदम बेस्टम बेस्ट हो जाएगा। टाटा वाली जा रहे हैं अस्पताल आते हैं चलो ऋषि।
अरे ऋषि सवेरे सवेरे कहाँ जा रहा है? वो माँ हमको मेडिकल टेस्ट का सैंपल पेपर खरीदना है और उसका दुकान पापा के हॉस्पिटल के रास्ते में ही है, तो हम सोचे कि पापा के साथ ही निकल चलते हैं। ठीक है। अरे भूल गए, ओ शाम को शर्मा जी के बेटे का रिसेप्शन है, पूरे परिवार को इनवाइट किया है, सबको जाना है वहाँ। सब लोग? मतलब कि वो बोने भी जाएगी? सुरीली बहू, हमने का कहा, शर्मा जी ने पूरे परिवार को इनवाइट किया है, वो लड़की परिवार की है का? जा रहे हैं अस्पताल, आते हैं, चलो ऋषि। सब लोग जाएंगे तो अनमोल अकेले कैसे रहेगी? चलो ठीक है, अकेले रहेगी तो उसको पढ़ाई का बहुत सारा समय मिल जाएगा। अरे चलो ऋषि, जाना है कि नहीं जाना है? आ रहे बाबा। यदि सब लोग पार्टी में शाम में जाएंगे तो हमारे पिलान का क्या होगा? सुरीली, शाम तो होने दो। अरे शर्मा जी 15 मिनट में निकल रहे हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं इतना? हाँ अरे का है, अभी तक रेडी काहे नहीं हुए? जाना नहीं है पार्टी पे? नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे का काहे? अरे असल में का है कि आज दिन में ना 2 रोटी ज्यादा खा लिए थे, पेट भारी हो गया है, वो अनपच जैसा फील हो रहा है। अब पार्टी में जाएंगे, वहाँ कुछ नहीं खाएंगे तो शर्मा जी को बुरा लगेगा ना। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि नहीं जाएंगे और घर पर ही आराम करेंगे। दीदी जा रहेगी? हम दो हंसों का जोड़ा। अरे हम लोग जाएंगे नहीं तो शर्मा जी को जानती हो ना कितना बुरा लगेगा। अरे काहे बुरा लगेगा, अब आप सब और माँ तो जा ही रही है ना। टाटा वाली और सुरीली पार्टी में नहीं जा रही और अनमोल घर में अकेली है, कहीं ऐसा तो नहीं फिर से इन दोनों को कोई शैतानी सूझा हो? अगर घर की दोनों बहू नहीं जा रहे हैं तो हम इस उम्र में कहाँ जाके करेंगे? हाँ हम भी नहीं जा रहे। बेड़ा गर्क हो बुढ़िया का, हमेशा गलत टाइम पे ही टक्कर मारती है। अरे माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप नहीं जाएंगी ना तो बहुत गलत हो जाएगा। देखिए मैं और सुरीली नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर आप तो घर की बड़ी हैं, आप नहीं जाएंगी ना तो उनको बहुत खराब लगेगा, आपको जाना चाहिए। हाँ दादी प्लीज चलिए ना। अगर आप नहीं जाएंगी ना तो हम में से कोई नहीं जाएगा। ठीक है तो हम चलते हैं। चलो चलो चलिए। अपना ख्याल रखना वो। माँ, माँ वो अनमोल को। हे भगवान, तुम्हारे गले में केवल अनमोल का ही कैसेट बसता रहता है। कैसेट का जमाना चला गया चाची। खैर हमको बस इतना कहना था कि अनमोल से पूरा दिन काम ही मत कराते रहिएगा, उसको थोड़ा पढ़ाई का समय दीजिएगा। वैसे भी वो कल जनगणना वाला चक्कर में वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई है। किसी तुमको पता है कभी कभी हमको उस बोनी से जलन होने लगता है, जिस तरीके से तुम उसका साथ देते हो लगता है कि हमारा भी कोई ऐसा केयर टेकर होता। ऋषि आज हम घर पे अकेले हैं, हमको खाना नहीं खाना है, कोनो काम भी नहीं है, तो पढ़ाई कर लेगी ना वो। तुम जाओ पार्टी एंजॉय करो, चिंता मत करो, जाओ। थैंक यू माँ, थैंक यू। प्लान नंबर 2। दिलीप भला बहू, दाल चढ़ा दिया है, सब्जी बना दिया है। तुमसे किसी ने पूछा? किसी ने पूछा खाने के बारे में तो एकदम चुप रहे। दिलीप कुमार ये बताओ कि तुम्हारा जतरा पार्टी कैसा चल रहा है? कहाँ भला बहू, टाइम कहाँ मिलता है। समझ सकते हैं। ए सुरीली कितना गलत बात है बताओ, इसको कभी कभी छुट्टी मिलना चाहिए ना, इतना पुराना सेवक है हमारा। अच्छा सुनो, देखो आज कोनो काम नहीं है घर में तो जाओ, जाके अपना जतरा पार्टी से मिलकर आओ। सच बोला बहू? अरे सच नहीं तो झूठ।
मिले, पकड़ पैसे और जा, जा करके अच्छा आठ चौमिन छोला जो मन करे सो खा ले, ले पकड़, ले जा। दीदी अब मैदान साफ है तो कर ले किला फतेह। मैदान तो साफ है, ना ऋषि है ना घर वाले, अब कौन बचाएगा बॉनी को टाटा वाली से। चलो किया जाए बॉनी का शिकार, अब होगा महान अद्भुत विवाह बौना बॉनी का। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नजारा।